हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने चेस्ट का वर्कआउट कैसे किया और उसमें कितने वेरिएशन लिए, कितने रेपिटेशंस लिए और मेरा वर्कआउट का फॉर्म कैसा था, और उसके बाद जाएंगे जिम की शॉपिंग करने के लिए। फर्स्ट मैंने इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस किया, उस पर 20 kg से मैंने स्टार्ट किया था और उसके 15 reps। उसके बाद मैंने किया 25, उसके बाद किया 30 kg। और लास्ट सेट था मेरा 35 kg का और उसमें मैंने किए 8 reps। डंबल बेंच प्रेस के बाद मैं गया स्मिथ मशीन पे और वहाँ पे मैंने हाइपर इंक्लाइन चेस्ट प्रेस का बेंच सेटअप किया। फर्स्ट सेट था मेरा 15 kg, मतलब 30 kg। ये लास्ट सेट है मेरा और इसमें 10 kg का प्लेट ऐड किया तो वेट हो गया 25 और 25 kg ऐसे। और इसके मैंने किए 12 reps और इसके बाद एक ड्रॉप सेट भी लिया था। फ्लैट बेंच प्रेस नहीं करता हूँ बट आज सोचा कि बहुत दिन से ट्रेन नहीं किया है तो आज मैं करूँ। और उसका भी मैंने लाइट वेट ही रखा था, ज्यादा वेट नहीं रखा। उसके भी मैंने 4 sets किए। फ्लाई का मशीन है, उस पर मैंने लिया 4th variation और उसके भी मैंने किए 4th set और फर्स्ट वेट था मेरा 45 kg का। और लास्ट सेट था 60 kg और इसके किए 4 sets। बैक को हम लोग वीक में एक ही बार ट्रेन करते हैं, इसलिए मैं आज चेस्ट के वर्कआउट में बैक के 2 वेरिएशन ऐड कर रहा हूँ। आज का वर्कआउट बहुत हो गया, चक्कर बता रही होगी आपको, थक गया हूँ। लास्ट वेरिएशन था मेरा स्टैंडिंग रोइंग, वो मैंने मशीन पे लिया और वहाँ पे मैंने ऐड किया था फर्स्ट ऑफ 15 के 2 plates और लास्ट तक मैंने उसी वेट पे ट्रेन किया। वेरिएशन से मेरी बैक ज़्यादा टाइट हो गई, इसलिए हम लोग 2 ही वेरिएशन ले रहे हैं और इसका मैंने एक ही वेट कॉन्स्टेंट रखा है लास्ट सेट तक 4 sets उसी सेम वेट पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब जाते हैं
शॉपिंग करते हैं। बहुत दिन से शॉपिंग नहीं की थी तो आज मैं आया हूँ नाइकी स्टोर में शॉपिंग करने। कीप ऑन प्रेसिंग, गजब कलेक्शन है जिम के लिए। आ गए हो बा गे? तो अब मेरी जिम की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है।